काशी का दशाश्वमेध घाट जहां ब्रह्मा जी ने की थी शिवलिंग की पूजा। खबर वाराणसी से है, जहां काशी के 84 सुप्रसिद्ध घाटों में से दशाश्वमेध घाट का अपना एक अलग ही महत्व है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर स्नान करने से व्यक्ति के सातों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। काशी खंड के अनुसार शिव पुराण में यह उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने काशी में आकर बालू से शिवलिंग का आकार देकर और 10 असुरों को बलि देकर इसी स्थान पर यह किया था और शिव जी की पूजा की थी, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। ब्रह्मा के यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी साक्षात प्रकट हुए। इस कारण से कांवरिया सावन में इस घाट से गंगा जल भर कर विश्वनाथ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं और काशी विश्वनाथ का जल अभिषेक करते हैं। यहाँ से काशी विश्वनाथ धाम काफी समीप है, जो एक कॉरिडोर में तब्दील हो चुका है। दशाश्वमेध घाट सबसे प्राचीन व पवित्र घाटों में से एक है, जहां की गंगा आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। प्रतिदिन सायंकाल 6 से 7 बजे के बीच गंगा आरती होती है और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ होता है। आपको बता दें कि इसी स्थान पे प्रसिद्ध काली जी का मंदिर भी है, जिन्हें दक्षिणेश्वरी काली कहा जाता है। जब असुरों से माता का युद्ध हुआ था, उसी में से रक्त बीज नामक एक असुर, जिसका रक्त पृथ्वी पे गिरते ही एक नया असुर पैदा हो जाता, उसके चलते माता क्रोधित हो गई और रक्त बीज को ही मार कर उसका रक्त पी गई। वह वहां उत्पन्न असुरों को खा जाती थी, जिससे नए असुर पैदा नहीं हो सके। यह माता का विकराल रूप है, जो शक्ति से संपूर्ण है। यहाँ भक्तों को मन वांछित फल को प्राप्ति होती है। वही काशी खंड में इसका विशेष उल्लेख है। दुर्गा क्षमा शिवा धातु स्वाहा सदा आप दशाश्वमेध घाट पे महाकाली और गंगा के मंदिर। महागंगा के बारे में बोलना सूरज के आगे दिया दिखाने के बराबर वाणा श्याम गंगा देव संसार भय नाशन अनेक जन्म कृतम पापम दर्शने नस्ते। गंगा मैया के मात्र दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। आप महाकाली के दरबार में खड़े कुल जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा महाकाली। एक समय की बात है, रक्तबीज राक्षस सारी देवी देवताओं के द्वारा वरदान पाकर के इतना पावरफुल था कि उसका ब्लड शरीर तो गिरते ही अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते थे। इसलिए उसने प्रलय मचा रखी थी। उसको मारने के लिए सारे देवी देवताओं ने से प्रार्थना की, सारी देवी देवताओं के माध्यम से एक आवरण तैयार हुआ, उससे एक शक्ति तैयार हुई महाकाली के लिए। महाकाली ने रक्तबीज राक्षस को गर्दन काटते हुए उसका व्रत जमीन पे नहीं देते क्या रक्तपान, उसके रक्तपान के बाद माँ इतने प्रचंड रूप में कलर रूप में विकराल रूप में उससे पीट होकर थल पुथल होने लगा पूरे संसार में। बोले बाबा शिव भगवान से सभी लोगों ने प्रार्थना की, बोले बाबा ने जाकर के मैया के रास्ते में लेट गए माँ काली का उनके वक्षस्थल पर पैर पड़ा, तब माँ की गवाह निकल आई, सारी एनर्जी बोले बाबा ने ग्रहण कर। बाकी माँ की बारे में महिमा बताना कठिन, उसके आगे दिया दिखाने के बारे में ज्यादा कुछ न कहते हुए हम तो इतना कहना चाहेंगे, अनुस बन के जिसकी बाजा दबा करे उस समा क्या बुझे, जिसे रोशन काशी के 33 कोट देवी देवता।